हेलो, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और फिर से वही बात, अगर वीडियो देखने आ गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा प्यार कमेंट के जरिए मुझे पहुँचाएँ, जिसे देख कर मैं मोटिवेट हो जाऊँ, मुझे मिले मोटिवेशन तो मैं वीडियो बनाती रहूं। क्योंकि आप सभी को पता है मैं बार बार ये बातें नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन सच में आप लोग के कमेंट की वजह से ही मैं वीडियो बना रही हूं, नहीं तो वीडियो बनाना बंद हो चुका था मेरा। तो बस यही सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों से। और पिछले ब्लॉग में तो किसी ने, मतलब मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी, पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी सभी से कि बहन को सपोर्ट करिए, लाइक और कमेंट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची थी कि नाम लूँगी, पर क्या होता है ना, मुझे याद भी रहता है, उसके बाद भी मैं जिस समय बोलना चाहूँगी ना, उस समय भूल जाऊँगी। मुँह में रहेगा कि हाँ मुझे याद है, पर वो निकलेगा नहीं। तो नहीं तो मैं उनका नाम लेती। मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप इनका सपोर्ट करिए। और बहुत सारे लोग जो पहले ही लाइक करते हैं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। बिना वीडियो देखे भाई कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करते हैं, लेकिन उनको अब मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि उनको वीडियो देखने से पहले ही वो लाइक कर देते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो बस यहाँ पर आज है अमावस्या का दिन और पितरन आज से ख़त्म होगा। ये ब्लॉग वैसे तो कल ही पहुँच जाना चाहिए था आप लोगों के पास, लेकिन नहीं पहुंच पाया, तो आज पहुंच जाएगा ज़रूर। मैं लगी हुई हूं एडिटिंग में कि ब्लॉग जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि अभी नवरात्र के पहले दिन का भी वीडियो शूट हो रखा है, पर वो एडिटिंग होगी। जब ये ब्लॉग पहुंचेगा तब उसके ब्लॉग, उस वाले ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी। तो बस यहाँ पर बहुत, मतलब इस दिन हमारे यहाँ का ये मतलब नियम है, और आप लोगों के यहाँ का क्या नियम है ज़रूर बताइए। कई चीज़ें आप लोगों की जो कमेंट करते हैं, काफ़ी चीज़ें मेरे से मैच करती है हमारे यहाँ जैसा होता है, और कई बात कई चीज़ें नहीं मैच करती हैं। आप लोगों के यहाँ कुछ अलग होता है, हमारे यहाँ कुछ अलग होता है, ऐसा भी होता है। तो आज के दिन साफ़ सफाई पूरे घर की, अच्छे से जाला वगैरह मारा जाता है। पहले के टाइम में जो कच्चे घर हुआ करते थे तो लिपाई पुताई भी हुआ करती थी अच्छे से, मतलब गोबर से लीपा जाता था ना घर को। किस किस ने घर को अपने गोबर से लीपा है? मैंने तो लीपा है भाई बचपन में। पहले हमारे मतलब मायके में जैसे छोटे थे तो कच्चा, मतलब नीचे की फर्श जो थी वो पक्की नहीं बनी हुई थी, मतलब उतने बड़े भी नहीं हुए थे। और जो मेन हमारा जो बाहर का द्वार बोला जाता है गाँव में, सबके यहाँ छोटा सा ही सही या बड़ा छोटा द्वार ज़रूर होता है ये गाँव के घर का। तो नहीं, जब बाद में घर पक्का हो गया ना, घर की फर्श पक्की हो गई, तो द्वार जो रहता था वो कच्चा था। तो तिथि त्यौहार ना पहले जैसे हाथ से लीपते थे, फिर झाड़ू से भी लीपते थे। और कई बार क्या होता था कि मेरी मम्मी कहती थी ऐसे जल्दी होगा, बाल्टी में गोबर डाल के घोल लेते थे और एक कपड़ा ले लेते थे, उसे बोलते थे पोतना तो वही लेके उससे जल्दी जल्दी पूरे में ऐसे गोबर फैलाते हुए लीपते जाएं। और लीपने के बाद बहुत ही सुंदर घर लगा करता था हरा, ऐसे घर एकदम ऐसे लगे। फिर धूल मिट्टी जो जैसे उड़ती नहीं है कि क्या बोलेंगे, अभी नहीं याद आ रहा है, तो वैसी वो कम हो जाती थी, तो उससे बहुत अच्छा, जैसे आजकल पोछा लगा दो तो घर साफ लगने लगता है, उस टाइम में ऐसा ही जब वो लिपाई कर देते थे तब हम लोगों को घर साफ सुंदर लगे। द्वार लीप दो तो द्वार, और ख़ासकर जब कोई तिथि त्यौहार होता था तब द्वार लीपा जाता था। और या फिर जब जैसे अनाज कोई जैसे धान वगैरह बाहर आना होता था तो लीप के साफ करते थे, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह वो चीज़ें कम जाएँ। तो ये सारी चीज़ें पुरानी कई बार याद आ जाती हैं जब हम ऐसे बातें करते रहते हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन लीपा है मैंने, काफ़ी लीपा है और अच्छा लगता था। और जैसे मेरी मम्मी शुक्रवार का व्रत रखती थी, जैसे मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखती हूँ शुक्रवार का, वो ना मेरी मम्मी संतोषी माता का व्रत रखती थी, तो उस दिन भी लीप के घर को साफ सुंदर बनाया जाता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती थी। और जो एक हमारे यहाँ दुरदुरिया चबवाई जाती है, दुरदुरिया माता कौन कौन जानता है? यूपी के कुछ लोग तो शायद जानते होंगे, यूपी भी काफ़ी बड़ा है, तो कुछ एरिए में मतलब अलग रीति रिवाज हैं। ऐसा नहीं कहेंगे सेम यूपी में सारा कल्चर सबका मिलता है एकदम से, यूपी में ही कई जगह के कुछ कुछ रीति रिवाज अलग हो जाते हैं, इतना बड़ा है यूपी। तो हमारे यहाँ दुरदुरिया अवसान मैया भी बोलते हैं बृहस्पतिवार के दिन वो
जब वाई जाती है तो उस दिन ना बृहस्पतिवार को गोबर से लीपना नहीं चाहिए। तो उस दिन क्या करते थे, मिट्टी से पोतते थे, मिट्टी ले आके पीली पीली, उसको कौन सी मिट्टी बोली जाती है, जिससे हम लोग के यहाँ चूल्हा भी पोता जाता था। पहले चूल्हा हुआ करता था ना, गांव में मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो वो चूल्हे की मिट्टी होती थी, उससे पोतने के बाद बड़ी सोंधी सोंधी सी खुशबू आती थी चूल्हे को, और चूल्हे जैसे किचन जो बोलते हैं, रसोई बोली जाती थी। तो एक ऐसे बनाकर उसको, अब देखो समय के साथ भूल जा रहे हैं हम लोग कितना किए हुए हैं, और काफ़ी दिनों तक वो ऐसे एक मटकी सी होती थी, पुराने ऐसे बर्तन वगैरह कुछ बना के रखते थे, उसी मिट्टी डाल के रखते थे, जैसे उसकी मिट्टी चेंज करते रहते थे या ख़त्म हो जाती तो और मिट्टी डाल के उसमें एक पुतना रखते थे, उससे डेली चूल्हे को सुबह शाम पोता जाता था। तो चूल्हा जो जैसे जलने के बाद खाना बनाते हैं तो गैस चूल्हा साफ करते हैं, उस टाइम में हम लोग इसी तरह से चूल्हे को पोत के बढ़िया पीला पीला करके चमका लिया कर लेते थे। सुबह शाम बर्तन किचन होता तो सुबह शाम वो चूल्हा पोता जाता था मिट्टी से डेली, तो वही काम किया जाता था जब हम अवसान मैया का चबवाते थे, दुधिया चबवाते थे तो मिट्टी से पोती जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी, अब देखिए अब वो चीज़ें अब नहीं मिल सकती हैं, सब बंद हो गया, वो सब जमाने चले गए, अब सिर्फ यादों में है। और हम लोगों को ये सब पता है, आने वाले टाइम में बच्चों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होंगी, क्योंकि इनके टाइम में ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं, तो इन्हें कहाँ से पता होगा। तो वही है, लेकिन फिर भी बच्चों को अपना पुराने समय में जो चलता रहता है बीच बीच में बताते रहना चाहिए, अच्छा लगता है, हमारी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और बच्चों को भी सुनने में थोड़ी मज़ा आती है कि ऐसे होता था, ऐसे पुराने टाइम में होता था। तो बताते रहना चाहिए, मैं तो शेयर करती हूँ कई बार जब चर्चा चल जाती है। तो आज ही वही है, अमावस्या है, तो बस आज पितरों की विदाई हो जाएगी और साफ सफाई, नवरात्र लगने वाला है, अगले दिन से नवरात्र लग जाएगा, तो उसकी भी तैयारी है। साफ सफाई दो पर्पस हो जाते थे, एक तो पितरन में ज़्यादा कुछ करा नहीं जाता था, दूसरा नवरात्र अगले दिन से लगता था, तो पूरे घर की जो साफ सफाई हुई हुई उसके बाद मंदिर में मुझे 3-3.5 घंटे लगे, क्योंकि आज मैंने मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करी। तो यहाँ पर ये चुनरी ना, चुनरी हर बार ही नवरात्र में जैसे नई लेकर आते हैं, तो ये चुनरी बड़ी मतलब थी रखी हुई, तो ये देखिए जो गमला खरीद रखे हैं तुलसी के लिए खास करके, इतना सुंदर सा, उसमें तुलसी कई बार लगाई पर उगती है फिर सूख भी जाती है, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, उसका समझ में नहीं आ रहा रीजन, हमने मिट्टी भी 2 बार पलट की उसकी, तो इसलिए इस वाले में हो गई हैं 2 तरह की तुलसी, एक ही गमले में है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, तो उनको मैंने ऐसे चुनरी लपेट दिया है ताकि वो सुंदर लगे थोड़ा सा। और उसके बाद पूरी मंदिर में सब साफ सफाई, सारा सामान जो नीचे बना हुआ है ना, उसमें पूजा ही पाठ का इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है, एक चीज़ मतलब सब निकाली, और बीच में अभी मतलब एक दिन हमने पहले भी साफ किया था जब चूहा घुसा हुआ था, फिर अभी जब आज हम गए देखे फिर से एक चूहिया आ गई है, और वो दिख भी रही थी फिर वो भाग गई, तो उसने काट कूट के ना काफ़ी चीज़ें ख़राब भी कर दी थी। तो सब उसको निकाल निकाल के सारे सामानों को अच्छे से क्लीन किया पोछा, उसके बाद जितनी भी चुनरी थी, जितने भी कपड़े थे, सब चेंज किए जो फ़ोटो के ऊपर लगा के रखते हैं, सबको पर्दा लगा रहता है जो पर्दा भी निकाला, झालर वगैरह जो लगा रखी थी वो भी निकाली, मतलब A to Z सारी चीज़ें निकाली है, और बर्तन जितने भी मंदिर के थे वो भी लेकर आए हैं, और बेटे को बुलाया है हेल्प के लिए, क्योंकि नीचे साफ़ सफाई करी थी, पोछा मैंने लगाया दीपू को पोछा लगाने के लिए, और दीक्षा को ना मैंने बुलाया क्योंकि आज 2 अक्टूबर भी था, छुट्टी भी थी, बच्चे घर में थे लेकिन पतिदेव की ड्यूटी थी तो वो चले गए थे, तो दीक्षा को दाल जो उर्द की दाल होती है ना वो धुल के मैंने कहा बेटा तुम तब तक कुछ तैयारी करो, तो मैं ये साफ़ सफाई करके आऊँगी तो जल्दी बन जाएगा, तो वो दाल लेकर गई, उसको पीसना और बड़े वगैरह भी छानना, तो बहुत टाइम लग गया, मैंने फेस पे बिंदी भी नहीं लगाई थी, अभी कैमरा चलाया तो देख रही हूँ कि बिंदी भी नहीं लगी है और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि लेट हो गया, बहुत टाइम लग गया मंदिर को साफ सफाई में, सारे पर्दे जितने भी कपड़े थे नीचे के, छोटी छोटी सफाई में ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत देर तक ये है कि इतने अच्छे से क्लीनिंग हो गई है कि अब कुछ टाइम के लिए, फिर दीपावली भी आ रही है, दीपावली पे भी हम फुर्सत ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीक्षा ने ये बड़े छान दिए हैं, बस बहुत जल्दी से मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर उर्द के दाल की फटाफट से मैंने कढ़ी घोल दी है, और ये बड़े
दीक्षा ने छान कर रख दिए थे, तो बस डाल दूंगी। और चावल, और आज के दिन आप लोगों के यहाँ क्या बनता है अमावस्या वाले दिन वो मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल यही सबसे मेन है और यही बनता है, और रोटी भी मैंने सेक ली थी, साथ में बिना रोटी के नहीं चलेगा। तो यहाँ बच्चे सामने बैठे हुए हैं तो बच्चों से बातें भी चल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से, और बाल दुला है, मैंने कंघी भी आज, अब सब फुर्सत हो जाऊंगी उसके बाद ही कंघी होगी। तो यहाँ थोड़ा सा अग्रासन निकाल दिया और छत पर ले जाके वहीं पर भोग वगैरह लगा दिया है। और मतलब फिर आने के बाद सबका आज बहुत लेट हुआ, तो अभी शाम हो गई है और मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर सोई उसके बाद उठी, थक गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सुबह से बहुत काम थे और काफ़ी टाइम भी लग गया था। सर दर्द कल से ही, थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, दवा खा के लेट गई थी और उठी हूँ, अभी सर दर्द बंद नहीं हुआ है। ये लगे हैं, ये ड्यूटी से आए, ये भी थोड़ी देर रेस्ट की और आ गए हैं, पानी डाल रहे पौधों में। अब तो धूप कई दिनों से हो रही है, बारिश नहीं, देखो तुलसी माता भी एकदम सूख रही हैं, इनमें पानी डाल पौधों में, ये भी एक काम हो जाता है, कम से कम आधे घंटे लग ही जाते हैं पानी डालने में। तो ये लगे पड़े हैं अपना पानी पुनी पौधों में डालेंगे, और मैं इन कपड़ों को चल रही हूँ फोल्ड करके रखूँगी, ये बर्तन वर्तन हटा देती हूँ, मंदिर में रख देती हूँ, कल सुबह जब नवरात्रि की पूजा की तैयारी करनी होगी फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साफ़ सफाई हुई रहेगी तो कलश रखने में। और अभी लेकिन मार्केट जाना है, मार्केट जाएंगे हम दोनों ही लोग, तो ले आएंगे पूजा पाठ का सामान, कल का जो भी चाहिए लिस्ट बनाऊंगी और उसके बाद जाएंगे हम सामान लेने के लिए। अभी जो बचे हुए काम है वो निपटा लेते हैं, अभी नीचे बर्तन भी पड़े हुए हैं मेरे खाने वाले, तो जाती हूँ बर्तन वगैरह धुल के रख के फिर लिस्ट बना के फिर निकलेंगे हम लोग। तो बस बर्तन वगैरह धुले, जो भी काम थे वो निपटाए हैं, उसके बाद बैठ गई हूँ लिस्ट बनाने के लिए नवरात्र की। और आज मैंने ये सूट पहन लिया, ये थोड़ा सा ढीला हो रहा था लेकिन मैंने कहा चलो आज यही पहन लेती हूँ, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सस्ता सूट है उस हिसाब से, जिस हिसाब से रेंज है, लेकिन थोड़ा सा फिटिंग मांग रहा है, ढीला हो रहा है मेरे, और मेरा साइज ऐसा हो गया है कि एक्सेल मंगाऊँ तो थोड़ा ढीला हो जाता है और लार्ज मंगाती हूँ तो हल्का सा टाइट हो जाता है, ये चल रहा है। और यहाँ मैं मार्केट में पहुँच गई हूँ और मैंने आपको दिखाया नहीं जो आज तो हर दुकान पे, जैसे लगता है इतने दिन के बाद सबने शॉपिंग ये वाला अच्छा लग रहा है ना किया होगा, 15 दिन कैसे लोग रहे होंगे, इतने गाड़ियों से ट्रैफिक था, उतने ज़्यादा हर शॉप पे ट्रैफिक था, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सच में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ट्रैफिक, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया कि मैं फ़ोन उठाऊँ और वीडियो बनाऊँ, ऐसा हो गया था, इतना मूड अपसेट हो गया, जिस दुकान पे जा रहे थे सामान लेने के लिए उसी दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब्जी, अरे यार मिठाई सब रह गई, मिठाई जाओ लेके आओ, फल फूल मिठाई सारे सामान, ये थैला भी देव को भेजती हूँ, सब सामान लेते 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 ना, एक पाव बेटा 5 तरह की मिक्स वाली, हाँ एक पाव लेना, अभी तो मिठाई कल ही तो खाए थे तुम लोग, बहुत मीठा खा रहे थे, तो बस 5 तरह के फल 5 तरह की मिठाई, बहुत मतलब वहाँ पे दीक्षा का मन हो गया कि थोड़े से गोलगप्पे खा लेते हैं, तो गोलगप्पे इनको खिलाए, यहाँ के लिए थोड़ा सा पैक कराया और बस आ गए हैं हम घर फाइनली, और घड़ी में बज गए हैं 9, बहुत टाइम लगे, हालत देख ना शक्ल बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा भीड़। तो बस फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ बनी हैं, और जानते हैं जो बचा खुचा था, कढ़ी बची थी और सब्जी भी बनाई थी कल रात में, और रात में बची तो रात में ही फ्रिज में लगा दिया था आलू गोभी की, तो बचा खुचा ही गर्म कर लिया क्योंकि बनाया भी नहीं, सुबह बच जाएगा तो सबका व्रत रहेगा और देर भी बहुत हो चुका था, तो वही खा के काम चल जाएगा आज, बस फटाफट से करके सोएं क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है नवरात्र के लिए। तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि नवरात्र तो शुरू हो चुका है, भले ही मेरा ब्लॉग भले लेट में पहुंचे, तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और माता रानी की अच्छे से खूब बढ़िया पूजा पाठ करें, बहुत ही मन को शांति मिलती है, तो बस इसलिए अपने मन की शांति के लिए और विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं ना,
तो उसका फल जरूर मिलता है आप जो मनोकामना रखते हैं, ये मेरा मानना है। चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।